तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नॉमेनक्लेचर ऑफ इथर। ओके, कैसे इथर को नाम देंगे हम लोग? व्हेन समथिंग रिएक्टेड विद समवन एंड वी विल गेट इथर, तो कैसे उसको नाम देंगे? कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। तो देर आर टू नेमिंग सिस्टम दैट यू नो, दैट कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम। तो पहले कॉमन नेम ढूंढते समझते, बाद में आईयूपीएसी नेम समझते। कॉमन नेम में व्हाट इज गिवन? इथर्स आर नेम अकॉर्डिंग टू टू अल्किल और एरिल ग्रुप। तो उसका मतलब हुआ, हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। वी विल टेक द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक हियर CH3, ओके, ओ CH3, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मिथाइल इथर। बट सिंस दो मिथाइल है इसलिए इसका नाम होगा डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर। ओके, डाई मिथाइल इथर। ओके, और सपोज C2H5, ओ CH3 होगा, तो इसको मैंने बताया था आइदर यू कैन प्रोनाउंस एज इथाइल मिथाइल और मिथाइल इथाइल, पर मैंने उसके लिए हिंट बताया था कि अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल मिथाइल में पहले एम आता है कि ई आता है? डेफिनेटली ई आता है, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल इथर। ओके, समझा स्टूडेंट्स? ये समझा करण भाई? तो जब इथर लिखेंगे तो देर इज ऑलवेज बी स्पेस, रिमेंबर दैट। ओके, व्हेन वी से इथर तो देर इज ऑलवेज बी स्पेस, ये याद रखना। ओके, चलो, नाउ वी विल डू द व्हाट नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट नेमिंग सिस्टम, दैट इज व्हाट आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम में लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला C2H5OCH3। Okay, then I will say C3H7OC2H5। इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अभी करण, ओ के लेफ्ट हैंड साइड में भी अल्किल ग्रुप है, ओ के राइट हैंड साइड में भी अल्किल ग्रुप है फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो राइट हैंड वाले में कार्बन ज्यादा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन ज्यादा है? लेफ्ट साइड में। ओके, तो हमेशा याद रखना जो ज्यादा वाला रहेगा वो हमेशा पेरेंट अल्किन बनेगा। ओके, और लोअर वाला जो रहेगा वो हमेशा अल्कोक्सी ग्रुप बनेगा। तो तुम लोग बोले सर आप एग्जांपल के तौर पे नाम बताओ उसका क्या होगा, तो छोटा कौन है? छोटा कौन है? छोटा है मिथाइल, एम आई राइट? इसका नाम होगा मिथॉक्सी, इसको अल्कोक्सी ग्रुप में डालेंगे। अल्कोक्सी में कौन डालेंगे, किसको डालेंगे अफिया? छोटे वाले ग्रुप को, छोटा वाला ग्रुप अल्कोक्सी में जाएगा, तो उसको अल्कोक्सी में क्या बोलेंगे? इसको C1 मतलब मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और जो बड़ा वाला है वो अल्केन करके बात करेगा, अल्केन। बड़ा वाला कौन है? दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन, नहीं समझा? अभी और एक देखना करण, आप बताओ इसमें किसमें ज्यादा ग्रुप है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है कार्बन? लेफ्ट वाले में, तो वो बनेगा अल्केन का नाम। तो इसका नाम क्या है जब तीन कार्बन होते तो उसको क्या बोलते? प्रोपेन, यस। और छोटा वाला है जो इथे, तो इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी प्रोपेन, नहीं समझा? अंडरस्टूड ना? पक्का? बट yes, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बोला जब भी कार्बन नंबर ऑफ तीन कार्बन रहेंगे मोर देन टू, तब हम लोग सोचेंगे कि जो प्रोपेन ग्रुप है प्रोपेन के कौन से कार्बन को अटैच चाहिए? ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन को, इसलिए इसका नाम होगा 1-, नहीं समझा? से यस और नो? हाँ, अभी यहां पे देख, जो बड़ा ग्रुप है वो किस कितना कितने कार्बन का है बेटा? तीन कार्बन का। तो इसको C3H7 को कैसे लिखेगी मुझे बता? C3H7 मींस व्हाट?
CH3, CH2, CH2, am I right? बरोबर। अभी इसको क्या अटैच है अफिया? ऑक्सीजन। ओके, और ऑक्सीजन को कौन अटैच है? C2H5, am I right? बरोबर। तो छोटा ग्रुप कौन है? C2H5। तो इसको तूने क्या लिखा? इथॉक्सी, am I right? इथॉक्सी। और बड़ा ग्रुप है जिसमें तीन कार्बन है, उसका नाम लिखा तूने प्रोपेन, बरोबर। मगर ये कौन से कार्बन को अटैच है? वे टू गिव द अरेंज ना, लॉन्गेस्ट चेन, जब कार्बन तीन होते हैं तब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो किसको अटैच है ऑक्सीजन ग्रुप? यस, तो इसका नाम क्या होगा? वन डैश। समझा? अंडरस्टूड? डोंट वरी, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल, बट जस्ट कॉपी डाउन।